पर्दे की सौतन बनी सहेलियां रिकी की दुल्हनों का दोस्ताना तू है तो टेढ़ी मेढ़ी राय उल्टी पुल्टी बातें सीधी लगती है दो फ्रेंड्स दो सहेलियां तो झूठे मूठे वादे दुश्मन के इरादे सच्चे लगते हैं दो दोस्त इनका दोस्ताना एक जैसे कपड़े एक साथ शॉपिंग एक साथ खाना पीना एक साथ बस की राइड लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल भाई जब दो सहेलियां मिलती हैं तो यही सब होता है मौज मस्ती और एडवेंचर और ऐसी ही मौज मस्ती और एडवेंचर की ट्रिप पर निकली है सीरियल साथ निभाना साथिया की सीता और समीरा यानी श्रुति प्रकाश और प्रिया टंडन भाई सास बहू और बेटियां मोदी परिवार की दो बहुओं को एक साथ ले आया है और दोनों कर रही है मटर गश्ती Well, हमारा शूट खत्म हो गया और हम कब से एक दूसरे को मिस भी कर रहे थे तो आज बहुत ही अच्छा मौका कंसीडरिंग द ब्यूटीफुल वेदर हल्की हल्की बारिश हो रही है वो सौंधी सौंधी खुशबू मिट्टी बहुत प्यारा सा एटमॉस्फेयर है तो हमें सोचा कि व्हाई नॉट डू अ डे आउट जस्ट द टू ऑफ अस तो बहुत कम देखने को मिलते हैं जब गर्ल्स गो आउट ऑन अ डेट और बट हाँ वी लव ईच अदर्स कंपनी एंड बस हम लोग आए हैं अपने बॉम्बे के नज़ारों में घूमने इतने प्यारी प्यारी वेदर में घूमने फिरने के लिए बहुत सी मस्ती मारने के लिए सो इट्स अ गर्ल डेट यू नो So many things Trust to do, me. eating Trust ice cream, chocolates, and like roaming around and we can sing also for yeah, the public. We can you sing, we yes. can dance. Yes. Aap batao kya karna hai, pehle? Chittiyan kalaiyan ve, oh baby meri chittiyan kalaiyan ve. भाई ये हफ्ता है फ्रेंडशिप और दोस्ती का इसलिए सीरियल के दो बिछड़ों को हमने मिलाया और इनके साथ किया दोस्ती भरा डे आउट तो चले निकल पड़ते हैं दोस्ती से भरे इस सुहाने सफर में हमारा डेस्टिनेशन नंबर वन मुंबई का पवाई लेक जहां पर हुई गोपी की दोनों बहुओं की मुलाकात भाई जब मुलाकात हुई तो सेल्फीज तो बनेगी और कुछ ऐसे पोजेस लिए जाएं जिससे दोस्ती हो जाए पक्की मटर गश्ती खुली सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया ही ना अकल में के भागे हम या भीगे हम मकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो हो चाहे जनाना या मर्दाना हो हो दिल की यही खता है दिल को नहीं पता है दिल की यही खता है दिल को नहीं पता है कि दिल चाहता है क्या टेढ़े नजरे मिलाना हे नजरे चुराना हो कहीं पे निगाहें हे कहीं पे निशाना हे ये पहने डेस्टिनेशन नंबर टू थाने मुंबई का विवियाना मॉल जहां पर ये दोनों सहेलियां आज जम कर शॉपिंग करने वाली हैं। तो हम फाइनली थाने में आ गए हैं थाने मतलब जेल में नहीं विवियाना मॉल वाले थाने में एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मॉल मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि कुछ बहाना कर दूँ और भाग जाऊँ मैं शॉपिंग करने
या बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे. फॉरएवर 21, यू लाइक फॉरएवर 21? आई लव फॉरएवर 21. दिस ग्लोबल देसी, या दिस सनग्लासेस हर, दिस सो मच टू ईट, सो मच टू ईट, ऑफ कोर्स. दिस सिनेपोलिस, चलो मूवी देखने चलते हैं. ऑफ कोर्स. तो हम आपको बताएंगे हम जो भी कर रहे हैं. डोंट वरी, विल टेक यू राइड अलोंग विद अस, सो स्टे ट्यून्ड. लड़कियां शॉपिंग करने निकलती हैं तो वक्त तो भूल ही जाइए. और प्रिया और श्रुति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. क्या खरीदे क्या ना खरीदे, बड़ा ही कंफ्यूजन है क्योंकि मॉल में शॉपिंग के लिए बहुत कुछ है. बहुत कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि मुझे स्मॉल मिलता ही नहीं है यार. मतलब एवरीथिंग इज लाइक मैं से डूब जाती हूँ. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट छोटी सी है और इसकी भी हाइट छोटी सी है. हमें और टाइम चाहिए, हम इतनी जल्दी शॉपिंग नहीं कर सकते, हमें पूरा दिन चाहिए. थोड़ा सा और टाइम दे दो, ये वाले पैंट्स सब लेने जा रहे हैं. इसने मुझे ये वाला ड्रेस दिखाया, इसने प्रिया ने, और मैंने ये लिया और मैंने उसको ये वाला पैंट दिखाया और वो लेने जा रही है. तो मतलब आई डोंट नो ये ऐसा क्यों है. मतलब यू शुड चेक आउट दिस रिंग दैट आई एम वेयरिंग, दिस वन हार्ट शेप. जस्ट चेक हर रिंग. अभी मैंने नहीं पहना है बट आई हैव द सेम रिंग. इट इज इनसेन कि उन्होंने कितने सालों से पहनी हुई है, मैंने कितने सालों से पहनी हुई है. तो देयर सो मेनी सिमिलैरिटीज. टच वुड, मतलब टुगेदर पे लाना चाहिए. पिंकू और रमाकांत, हां उनकी शॉपिंग हम करेंगे, हम करेंगे सीरियसली. तब तो और ज्यादा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा आपको भाई साहब. सच में पिंकू तो बहुत फनी है, बहुत फनी. बट वी आर मिसिंग हिम, कोई बात नहीं, हम उनका पूरा कर देंगे, कवर कर देंगे हम जो भी उनकी यादें वगैरह है. बट अभी फिलहाल हमें थोड़ा और टाइम चाहिए शॉपिंग के लिए. प्लीज फाइनली प्रिया और श्रुति को कुछ पसंद आया. पर ये क्या, दोनों ने एक जैसे कपड़े क्यों पहने हैं भाई, यही तो पक्की दोस्ती है. लिटरली सेम कपड़े लिए हैं, लिटरली. मतलब दोनों को अच्छे लगे वही, दोनों को फिट अच्छे लगे वही. तो लिटरली यू कैन सी दिस सेम पैंट एंड दिस, बस एक टॉप मैंने एक्स्ट्रा लिया, बट अदरवाइज इट्स ऑल द सेम, दिस ब्लैक पैंट. सो अब तो और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, है ना. भी सेम, मतलब ओह माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है. एक जैसे कपड़े और एक जैसा डांस. ट्रायल रूम में तरह तरह के कपड़े साथ ट्राई करो और दोस्तों के साथ डांस करो, यही तो है दोस्ती का जज्बा. क्या शॉपिंग की, और एक एक चीज सेम आप मान नहीं सकते. जो मुझे पसंद आया वो इन्होंने उठा लिया. मैं अपनी बहन के साथ भी नहीं लेती थी पता है. मतलब जो मम्मी बोलती थी कि सेम सेम लोग इतना अच्छा लगता, नहीं नहीं यार प्लीज मुझे नहीं अच्छा लगता, कितना सिली लगता है. बट अब इसके लिए क्या माँ का प्यार, बहन का प्यार, सब एक साथ. क्योंकि बॉम्बे में फैमिली से हम पहले ही अपार्ट रहते हैं, तो दिल से प्यार आता है आपके लिए. काफी सारे कपड़े ट्राई करने के बाद आखिरकार सीता और समीरा ने कुछ पसंद किया. भाई इतनी शॉपिंग हो गई, अब थकावट तो हो ही जाएगी, तो इसका इलाज भी सास बहू और बेटिया के पास है. क्यों ना स्पा का मजा लिया जाए. आओ हुजूर तुमको सितारों में. चलिए ओके, सोने वाली है. सो वी डन विद शॉपिंग फाइनली एंड बहुत थके थके हुए हैं. तो हमें लगा कि जब थके होते हैं तब क्या कर सकते हैं, थोड़े हमने हमारे बेचारे पैर नाजुक चल पैर हमारे इतने थक गए हैं, इतना साइजेस ढूंढने में, कलर्स ढूंढने में थक गए थे. तो इसलिए हमने सोचा कि व्हाट बेटर प्लेस टू कम देन अ ब्यूटीफुल मसाज सेंटर. या सो अभी हम स्पा लेने जा रहे हैं, फुट मसाज लेने जा रहे हैं. प्रिया और श्रुति मुंबई के विव्याना मॉल में पहुंची स्पा का मजा उठाने. भाई इस स्पा ने तो दोनों बहुओं को कर दिया तरोताजा.
वंडरफुल वंडरफुल. यू फील सो गुड एंड सो मच रिफ्रेश्ड. मतलब पैर जो होते हैं ना बहुत अहम हिस्सा होते हैं हर एक बॉडी पार्ट. सो लाइट, मतलब मेरे को बहुत पैरों की एक्चुअली टचिंग माय पॉइंट्स जो उन्होंने. हाँ आई मीन दिस इज समथिंग कि हम ज़्यादा ध्यान नहीं रखते बट एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम डेफिनेटली कमिंग हियर अगेन दिस प्लेस. स्पा के बाद अब बारी है थोड़ी मस्ती करने की, तो चलिए जरा बचपन में चलते हैं. हमेशा से एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं बॉम्बे आऊँगी और डबल टेकर की बस में तो बैठना ही बैठना है, बट इट कुड नेवर हैपन समहाउ बिकॉज दे ओनली देर ओनली देर इन साउथ बॉम्बे राइट एंड आई कुड नेवर. सो आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा. So right. बस मिनी है बस में तो मैं भी बैठी हूँ. ऑफकोर्स आई मीन आई थिंक एवरीवन स्टार्ट्स द जर्नी फ्रॉम देयर. डबल हाँ बट डबल डेकर में मैं भी नहीं बैठी हूँ. सो दिस इज अ वेरी क्यूट रेड कलर डबल डेकर. सो हम अपनी विश पूरे करने वाले हैं. विश के हमें मना कर दिया कि नहीं ये बच्चों के लिए है, बट हमने थोड़ा पटावटा लिया उन्हें कि हाँ हम भी बच्चे ही है एक्चुअली. यहाँ पर एक छोटी सी डबल डेकर बस है तो इसमें सवार हुआ जाए और एक बार फिर से बच्चे बना जाए. श्रुति और प्रिया ने एक साथ सीरियल साथ निभाना साथिया में काम किया था. वैसे तो पर्दे पर दोनों सौतन बनी थी और एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आती थी, लेकिन रियल लाइफ में दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हैं. यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है. यारो हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है. कोई तो हो राजदार बेगरज तेरा हो प्यार, कोई तो हो राजदार इसकी मम्मी के तो मैं मिल चुकी हूँ और मुझे मेरी मम्मी लगती हैं, बड़ी प्यारी सी हैं. तो बेसिकली वी फाउंड दैट पर्सन नीच अदर कि आप हेजिटेट नहीं करते हो यू नो कुछ पूछने में. मतलब मुझे प्रिटेंड नहीं होना पड़ेगा उनके सामने कुछ बनने के लिए. मैं कुछ भी करती हूँ, चाहे मतलब कुछ फॉर एग्जांपल कि मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ मैं आज नहीं नहाई. आई कैन से दैट वर्ड. आप किसी को अब नहीं बोल सकते और स्पेशली इस इंडस्ट्री में आपके को एक्टर्स को आप कभी नहीं बोल सकते. आपको लगेगा कि नहीं यार वो क्या सोचेंगे. फॉर दैट मैटर थोड़े फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं कि वो लोग सोचते हैं ठीक है वे आर वेरी गुड फ्रेंड्स वे बेस्ट फ्रेंड्स, बट हम वर्क वाला हम लोग शेयर नहीं करेंगे. बट हम लोग इतने लेवल तक डीप जा चुके हैं फ्रेंडशिप में, वी शेयर एवरीथिंग. तो वो भी हो जाता है. भूख लगी. श्रुति और प्रिया की दोस्ती की कहानी तो बड़ी ही दिलचस्प है बिल्कुल की सीरियल के मसालों की तरह, लेकिन आप कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं. अरे भाई आप कुछ पेट पूजा की जाए. पेट पूजा टाइम. यस दिस प्लेस कॉल्ड ब्रिटिश ब्रूइंग कंपनी. या बीबीसी शो दैट. सो डू विजिट दिस प्लेस. हमने अभी तक खाया नहीं है बट वी विल डेफिनेटली गिव यू द रिव्यूज आफ्टर वी ईट. ओके अब भी खा लो. आप छोटा सा ब्रेक ले लो. श्रुति और समीरा ने विवेक माल की एंट्री में जमकर किया एक खास लंच और उसके बाद वो रिलैक्स हैं कुछ और मस्तियों के लिए. नहीं तेरा कोई दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त मैं चीज बड़ी हूँ मस्त. शिक गर्ल्स लाइक टू स्विंग. मॉल में आए हैं तो मस्ती पूरे दिन चलने वाली है, लेकिन सास बहू और बेटिया को जाना है. आप सब लोगों को और आप लोग जब ये पूरा देखोगे एपिसोड हमें बताना. इंस्टाग्राम पे ये भी है, मैं भी हूँ, फेसबुक पे भी हैं, एंड हम लोग हमेशा पढ़ते हैं आप लोग जो भी भेजते हो सिया सीता समीरा के लिए. सो प्लीज़ आपका फीडबैक शेयर करना कि आपको कैसा लगा हमने जो मस्ती किया यहाँ पे पूरा, जो हमने फुट मसाज लिया, फिर जो हम खाने गए, फिर बस राइड. बेसिकली हम आपको एंटरटेन कर पाए के लिए. तो उम्मीद है सीरियल साथ निभाना साथिया की इन दो बहुओं का ये ऑफ स्क्रीन रूप देखकर आपको पर्दे की दो सौतन कम सहेलियों के बारे में मजेदार बातें पता चली होंगी. बहुत खातिरदारी की बहुत, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत थैंकफुल हैं. लव यू आज तक. यस लव यू द होल एंटायर टीम. यू हैव बीन वेरी वेरी hospitable to very us. Well coordinated, very yes. Well organized, very systematic. Bang on time you were. Yeah, very nice and very
बहुत अच्छा माहौल बन गया. मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ चलो मतलब कुछ करने वाले हैं अभी. इट वॉज जस्ट वेरी ऑल कैजुअल एंड एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट. तो आप भी इन दोनों सहेलियों की तरह दोस्ती के इस हफ्ते में जाइए, जमकर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए और हो जाइए बिल्कुल मस्त मस्त सास बहू और बिटिया की तरह. उम्मीद जनता का पंडित के साथ आज तक भी रहो.